हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अमान में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन की भी 1 GB, 2 GB या 3 GB रैम है और आपका फ्री फायर लैग करता है या ऑटो बैक हो जाता है, आपके भी फ्री फायर में ऑटो बैक प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों बने रहें इस वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊँगा फ्री फायर ऑटो बैक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ दो तीन ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका फ्री फायर ऑटो बैक होना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन्स की सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाता हूँ और बिल्ड नंबर पर 7 टाइम क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर वर्जन पर 7 टाइम क्लिक करके यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले सर्च कीजिए रनिंग सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रनिंग सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है और किस किस एप्लीकेशन में रैम यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं पर तब भी वो रैम यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फेसबुक यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 बिट हो गया और यहाँ से हमारी रैम थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे आप उस टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे शेयर करो मैं इस टाइम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। यहाँ से मेरी रैम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहली ट्रिक तो दोस्तों ये थी। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके फ़ोन में गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्री फायर। यहाँ पर मैं फ्री फायर सर्च करता हूँ। फ्री फायर यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन देगा, गेम ड्राइवर, सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर या प्री रिलीज ड्राइवर। तो आपको इस पर गेम ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। गेम ड्राइवर पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ से आपका फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी सेटिंग, जो सबसे ज़्यादा मेन सेटिंग्स हैं जिससे आपका फ्री फायर लैग नहीं करेगा और ऑटो बैक भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स 4X MS AA, इसको हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। इससे आपका GPU आपके गेम को ज़्यादा क्वालिटी और परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ करेगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको सबसे लास्ट वाली सेटिंग, काफ़ी बढ़िया सेटिंग्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद, एप्स में आने के बाद बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पर आप इसको एट मोस्ट 4 प्रोसेस पर कर दें। इससे आपको क्या होगा, आपका फ्री फायर ऑटो बैक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आप अपने फ़ोन में कर लीजिए तो आपके फ़ोन में फ्री फायर लैग की प्रॉब्लम या फिर फ्री फायर ऑटो बैक की ऑटो क्लोज की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, थैंक यू।